उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में संचालित अवैध टैक्सी, बस और रिक्शा स्टैंड को लेकर बड़ा फरमान जारी किया है। सीएम योगी ने राज्य में इस तरह के अवैध टैक्सी स्टैंडों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से मंगलवार को किए गए एक ट्वीट में कहा गया कि राज्य के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी, बस, रिक्शा स्टैंड संचालित नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में जाम और अवैध वसूली की समस्याओं को देखते हुए सीएम ऑफिस की ओर से ये कदम उठाया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन स्टैंडों को तत्काल बंद कराया जाए। इसके साथ ही ठेकेदारों को टैक्सी स्टैंड के लिए अलग से स्थान निर्धारित करने का भी निर्देश जारी किया गया है। इसी के साथ ही छोटे और बड़े शहरों में बढ़ती ई रिक्शा की समस्याओं को लेकर भी सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं। सीएम ऑफिस ने सभी जिलों में ई रिक्शा के लिए अलग से रूट निर्धारित का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि ई रिक्शा के कारण प्रत्येक जनपद में प्रमुख चौराहों पर सामान्य तौर पर जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।